गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसका। पुतिन, वो नाम जिसने सुपर पावर अमेरिका को बताया कि सुपर से ऊपर क्या होता है, जिसके फैसले ऑन द स्पॉट की नीति से अमेरिका के पीछे छुपकर यूक्रेन को तेरा भाई पीछे खड़ा है कहने वाले 30 नाटो देश ऐसे शांत हो गए मानो नाटो ना होकर मोहल्ले के लड़कों का कोई झुंड हो। पर क्या पुतिन हमेशा से ऐसे अमीर कॉन्फिडेंट इंसान थे? बताएंगे, पर पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राद में एक बच्चे का जन्म होता है। सुविधाओं का अभाव और गरीब परिवार शुरू से ही उस बच्चे में दुनिया से हटकर कुछ करने का जज्बा दे देती है। महज 16 साल की उम्र में वो बच्चा सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक जाता है और ऐसे वो बच्चा केजीबी में अपना नाम पुतिन की छाप छोड़कर साल 1991 में राजनीति में आता है। साल 1996 में राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के डिप्टी चीफ स्टाफ से लेकर साल 2000, 2004, 2012 और अब तक रूस के राष्ट्रपति बनने तक पुतिन की कहानी केवल ये बताती है, अगर आंखों में सपने, चेहरे पर आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्र के लिए कुछ करने का जुनून हो तो गरीबी और अभाव का रोना केवल बुजदिल ही रोते हैं। निरंतर संघर्ष और मेहनत करने वाले पुतिन बन जाते हैं।